अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल सोया सब्ज़ी। ये बहुत ही इजी बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग दाल लिया है, ये अराउंड हाफ कप है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे एंड फिर इसे पानी में सोक करेंगे कम से कम हाफ एन आवर के लिए। नेक्स्ट हम लेंगे 2 बंच ऑफ डिल लीव्स, इसे वॉश कर कर क्लीन कर कर ऐसे चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर कुकिंग पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 2 ग्रीन चिलीज चॉप कर कर ऐसे, एंड इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए। 20 सेकेंड्स बाद अब इसमें यहाँ ऐड करेंगे 1 लार्ज फाइनली चॉप्ड अनियन, एंड अनियन सॉफ्ट होने तक इसे भी कुक करेंगे। अनियन के सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पर मूंग दाल एंड सॉल्ट ऐड करेंगे एंड इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं वाटर ऐड करी अराउंड हाफ कप, ताकि मूंग दाल जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे यहाँ पर हम कवर करेंगे एंड 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट्स बाद लीड ओपन करेंगे एंड इसे चेक करेंगे। यहाँ पर अब काफ़ी सारा पानी भी है एंड मूंग दाल जो है वो अभी भी कुक नहीं हुई है, तो इसे फिर से दोबारा से हम कवर करेंगे एंड और 5 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही कुक करेंगे। 5 मिनट्स बाद मैंने लीड ओपन किया है और इसे एक बार सॉटे करेंगे। अब चेक करते हैं मूंग दाल जो है वो कुक हुई है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल जो है वो अच्छे से कुक हो गई है, ये इजीली ब्रेक हो पा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे डिल लीव्स यानी सोया लीव्स एंड इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। डिल लीव्स को अब कवर करेंगे एंड 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर डिल लीव्स जो है वो हमारी कुक हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टर्मरिक पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद गैस की फ्लेम 1 मिनट बाद ऑफ कर लेंगे एंड इसे ऐसे ही गरम गरम सर्व करेंगे। सोया भाजी जो है अब रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।